महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने बच्चा वार्ड को अपने सांसद निधि से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला अस्पताल के जर्जर भवन की भी दशा सुधारी जाएगी। महिला जिला चिकित्सालय में सांसद हेमा मालिनी का तूफानी दौरा रहा। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है, इसी को लेकर हेमा मालिनी बेहद गंभीर है और वह अपने सांसद निधि से बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड के लिए 50 लाख रुपए धनराशि भी दे रही है। मल्ली आज यहाँ निरीक्षण करके आई हैं और ये आने वाली जो थर्ड वेव है उसको देखकर निरीक्षण किया, आइए जाने का। अच्छा है, आज आपने जो निरीक्षण किया उसमें कैसी स्थिति और क्या दिशा निर्देश? ये वेरी पुराना हॉस्पिटल है, बहुत सालों का है, इसका रेनोवेशन की ज़रूरत है। फिर भी ये लोग ऐसे इसको अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों की कमियाँ हैं, उसको मैं ऐसा सांसद उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो चिल्ड्रंस वार्ड के लिए मैं आई हूँ देखने के लिए, तो मेरा सांसद निधि दिया जाएगा। मैडम, थर्ड वेव को लेकर क्या यहाँ से डिमांड की गई है, जिससे कि और बेहतर बच्चों का इलाज बन रहा है? कोविड वार्ड, कोविड वार्ड इसीलिए बच्चों के लिए बन रहा है ताकि बच्चों का इफेक्ट ना करे। आपने देखा मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने आज यहाँ जिला महिला चिकित्सालय के जो बीकू वार्ड है उसका निरीक्षण किया है और यहाँ की जो व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने यहाँ के सीएम के साथ रहे, जिलाधिकारी मौजूद रहे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और मैडम, इस बात को देखकर सांसद हेमा मालिनी हैरान है कि 1938 का बना हुआ ये जो अस्पताल है इसको बहुत कुछ इसमें व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने और उनको नवीनीकरण करने की आवश्यकता थी, लेकिन अभी मांग के अनुरूप यहाँ पर इतना कुछ नहीं हो पाया, तो आज उन्होंने यहाँ आकर निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतोष जताया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि यहाँ से जो डिमांड की गई है वो अपनी सांसद निधि से उनको पूरा करेंगी, जिससे कि जो तीसरी लहर कोरोना की जिसमें संभावना की जा रही है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो बच्चों को किसी भी तरह का यहाँ पर नुकसान ना हो और उनके उपचार इलाज की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए आज उन्होंने यहाँ महिला जिला चिकित्सालय के पीकू वार्ड का निरीक्षण किया है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ के साथ पूरा आश्वासन दिया कि कोई भी कसर बच्चों के इलाज में नहीं छोड़ी जाएगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।